छोटी सोच और पैर की मोच, हकीकत छोटी सोच वाले बंदे कभी कामयाब नहीं होते, पैर की मोच वाले कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। ये आपको पड़ेगा 2700 रुपए, ओनली 27। ये जो फैब्रिक लगे हुए हैं एक से एक बेटर फैब्रिक है, और बता दूं बैक में भी मैंने इसमें काम दे रखा है, पीस आपके सामने। नौकरी के नौ काम दस मकाम, हाँ जी। दूसरी बात, अपना काम अपना ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। दुकान पे डमी पे लगा के अगर टांग देंगे ना, चलते हुए के कदम रुक जाएंगे। ये क्वालिटी वो है, पिन है, पट्टी है, डैमेजिंग है, और ये आपको बता दूं प्रिंट है, प्रिंट के साथ हमने पैच भी लगाया हुआ है। शरीर का आलस और कच्चा लालच, जो लोग शरीर का आलस करते हैं वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, आलस में रह जाते हैं। और जो शरीर का कच्चा लालच का मतलब, जब तक आप व्यापार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पॉकेट से पैसा नहीं निकालेंगे, तो कामयाबी आप नहीं हो सकते। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। हर पीस पे लेवल होगा, ये देखिए पीस, कलर कॉम्बिनेशन भी सिलेक्टेड होगा, और ये देखिए जी, और हटो बच्चो पीस होंगे। जो 100 रुपए के अंदर की आइटम है, अगर आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अगर वो सेल आउट नहीं होती है, जी, मेरा सेट वाई माल रिटर्न करके आप मुझसे दूसरा माल ले सकते हैं। स्टिचिंग, फिनिशिंग, फैब्रिक, ये फॉर्म वाली कढ़ाइयां आ गई हैं, पीस देखिए, अलग ही बुलबुल के बच्चे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आइटम सबसे ज्यादा बिकती है और बिकने का कारण भी है, ठीक है। कोई भी शादी ब्याह, होली, दिवाली, ईद, किसी भी धर्म का कोई भी तीज त्योहार होता है, हम फैमिली वाले लोग जो ड्रेस रेडी करते हैं, बच्चे की पहले ड्रेस रेडी करते हैं, इसीलिए बच्चे का माल सबसे ज्यादा बिकता है। कपड़े मेरे धुलाई के बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है, तो मेरा कपड़े का ये पीसों का मेरा फुल रिटर्न है, कहीं से कहते कोई दिक्कत नहीं। एक दो धुलाई में पीस खराब हो जाए, मेरा पीस वापसी फेंक दो। मतलब एक रुमाल लेंगे ना, बाजार पटरी से सबसे सस्ता रुमाल लेंगे, उससे भी सस्ते में आपको लोअर और आपको पैंट देने वाला हूं मैं आपको। क्वालिटी की बात करूं तो मैं थोड़ा पास से दिखा दूं, आप देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वालिटी के अंदर मिलने वाला है। मतलब अगर फैंसी माल चाहिए तो फैंसी माल भी आपको एक से एक यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए जी, नाम मेरा रवि शर्मा, फ्रॉम शिवॉन गारमेंट्स, ठीक है, 9/160 गांधीनगर दिल्ली जी, ये मेरा प्रॉपर एड्रेस भी है। और दूसरी बात, हमें जो जाना जाता है वो किड्स वेयर, बच्चे की शर्ट और जींस, बाजार पट्टी से लेके शोरूम तक की हर तरीके की पैंट और शर्ट मेरे पे अवेलेबल होती है, ठीक है। और इस वीडियो में भी मैं आपको जो धमाल करने वाला हूँ, लोगों को नया व्यापार करने का तरीका बताऊंगा, कैसे करना है, क्यों करना है, और कैसे काम में भी मिलेगा, और आगे कैसे बढ़ाव होगा, ये सब चीज के लिए बताऊंगा आपको। और दोस्तों मैं खुद बोलूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनसे मुझे भी लाइफ में काफी कुछ सीखने को मिला। और सर का ही कहना है, छोटी सोच और पैर का मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता। और इस वीडियो में गारंटी देता हूं कि अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं अगर गलत नहीं हूं तो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और पैंट और शर्ट आपके पास ही मिलता है। ये तो ऑलरेडी अभी मैं आपको रेट बताऊंगा, आप कंपेयर करना, पूरे यूट्यूब की दुनिया में कंपेयर करना, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर में कंपेयर करना, मेरे से सस्ती शर्ट, मेरे से सस्ती पैंट जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे से सस्ता लोअर आपको कहीं से कहीं तक सुनने में भी नहीं आएगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप नॉर्मल एक रुमाल लेंगे ना, बाजार पटरी से सबसे सस्ता रुमाल लेंगे, उससे भी सस्ते में आपको लोअर और आपको पैंट देने वाला हूं मैं आपको। मतलब ये कह सकते हैं कि रुमाल के भाव में आपको पैंट शर्ट और लोअर मिलने वाला है, उससे भी सस्ता, उससे भी सस्ता, उससे भी सस्ता, ठीक है सर। तो वैरायटी और कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करें। बाकी बस ये बोल दूं कि जो भी संपर्क करे सर से, क्वांटिटी के लिए संपर्क करे। ये मेरी पैंट है और इस पैंट का जो साइज है, बच्चे की किड्स वेयर है, जो इसका साइज है 20, 22, 24, ये आपको पड़ेगा 2700 रुपए, ओनली 27। ये जो फैब्रिक लगे हुए हैं एक से एक बेटर फैब्रिक है, और बता दूं बैक में भी मैंने इसमें काम दे रखा है, पीस आपके सामने है। मतलब अनबिलीवेबल, 27 में कहते हैं कुछ भी नहीं आता, और 2700 रुपए में आपको यह पैंट मिल रहा है। 2700 रुपए की पैंट, जबकि मैंने आपको साइज बताया 20x24, 26x28, 32x34, 27, 37 और 47, ये आपके सामने पैंट है। और आपको बता दूं बाजार पटरी फुटपाथ पे बेचे हैं, और अच्छा दुकान पे सिर्फ कस्टमर रोकने के काम आता है ये, बिल्कुल। और दूसरी बात बता दो, जो लोग नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, जो 99 की सेल लगाना चाहते हैं, या फिर जो फेरी लगाना चाहते हैं, उस तरह हर तरीके का मेरे पे माल अवेलेबल होगा, या कम पूंजी में व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए ये सब आर्टिकल बेस्ट रहता है सर, बिल्कुल बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के अंदर है ना, बहुत लोग परेशान हुए हैं जी, परेशान इस टाइप से हुए कि जो बेचारे नौकरी कर रहे थे, 6,000, 8,000, 10,000 रुपए की जो भी नौकरी कर रहे थे, ज्यादातर मालिक उन्होंने निकाल चुके हैं, फैक्ट है सर, क्योंकि बेचारे वो भी मजबूर है, जब उनका काम ही नहीं है, बेचारे कब तक देंगे जेब से जी, जी। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी निराश ना हो, आप पे जितने भी थोड़े से मतलब 10,000, 15,000, 20,000 से व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपने दम पे आप अपने मतलब कि पूरी फैमिली में, अपने यार दोस्त में, अपने सर्कल में, अपने फैमिली के अंदर नंबर वन के कहलाएंगे। कारण आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये वाला पीस मैंने आपको बताया 4500 रुपए का जी, और ये 4500 रुपए वाला, और ये 2700 रुपए वाला पीस, और भी वैरायटी है मेरे को, आप लेके जाएंगे
10, 20, 30, 50 पीस अगर आप बेचते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप रोज पर डे 500 भी आप कमाओगे, 1000 भी आप कमाओगे, 1500 भी आप कमाओगे, 2000 भी आप कमाओगे, और ध्यान रखना कम नहीं होगा, दिन पे दिन प्रॉफिट प्लस में ही जाएगा। और सर सबसे बड़ी बात है ना, अपने दम पे कमाएंगे, अपने दम पे कमाओगे, नौकरी के नौ काम दसवां काम। हाँ जी, दूसरी बात, अपना काम अपना ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। सोच मैं आपको बता दूं, आपके सोच के अनुसार ही आपका व्यापार बढ़ता है। अगर आप सोच पॉजिटिव रखोगे तो कहां से कहां जाओगे। फैक्ट है सर, ठीक है। और यही मैंने आपको 45-55-65 रुपए की रेंज है, और साइज है 20x24x28x32x34x36। मतलब कहते हैं इंसान कुछ भी हो सोच को बड़ा रखना चाहिए, और तभी आप कहते हैं छोटी सोच और पैर कम हो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। ये आप ध्यान रखना, ये जो बात है छोटी सोच और पैर की मोच, हकीकत छोटी सोच वाले बंदे कभी कामयाब नहीं होते, पैर की मोच वाले कभी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको बता दूं, शरीर का आलस और कच्चा लालच, जो लोग शरीर का आलस करते हैं वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाते, आलस में रह जाते हैं। और जो शरीर का कच्चा लालच का मतलब, जब तक आप व्यापार में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पॉकेट से पैसा नहीं निकालेंगे, तो कामयाब भी आप नहीं हो सकते। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरी बात, जब तक करोगे नहीं नहीं पता लगेगा, ना करोगे तो होगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे की वैरायटी दिखाता हूं आपको। एक ये आइटम है आपके सामने, रेट है 70 रुपए, ओनली 70 रुपीज, ओनली 70 रुपए। और ये जो क्वालिटी है रिंग डायनम के ऊपर है, इसका जो साइज है 20 से 30 साइज है, 20 से 30 साइज जो होता है वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल, इससे ऊपर आता है 32 से 40, वो बैठता है आपको 90 रुपए का, ठीक है, 20+ आएगा। जी जी, ये पीस है आपके सामने कॉटन के ऊपर। मैं इसमें और भी ऑलरेडी वैरायटी काफी होती है, वैरायटी भी मैं दो दो कम कमी दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, होगा 90 रुपए 20 से 30 साइज, और 32 से 40 साइज जो आएगा वो आएगा इसका 10 रुपए, 110 रुपए, 110 रुपए। मतलब जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगा वैसे वैसे कहते हैं कि मतलब रेट भी बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ेगा। सर इसी और बताएं, मिनिमम कोई ऑर्डर करता है तो मिनिमम ऑर्डर अपने पास क्या रहने वाला है? ऑनलाइन ऑर्डर मिनिमम 20,000 रुपए का, बंदा यहाँ के लेना चाहता है 10,000 रुपए का लो, 8,000 रुपए का लो, 20,000 रुपए, जितना चाहे उतना लो, जितना चाहे ले सकते हैं, कहीं से कहता कोई दिक्कत नहीं। जी जी, पीस आपके सामने है, पीस देखिए, ये सब थोड़ा फैंसी में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, स्टिचिंग फिनिशिंग फैब्रिक सब चीज में फर्क पड़ेगा। पीस आपके सामने 105 रुपए, 20 से 30 साइज है। जी जी, 105 रुपए का पीस है, ठीक है। अब जैसे ये क्वालिटी देखते हैं, ये क्वालिटी देखो कितनी हैवी है, आर्मी लुक के अंदर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, और इसमें कार्गो भी बनाया हुआ है, रेट 105 रुपए, 105। हाँ, इसका जो 32-40 साइज है वो होता है 7-8 साल से लेकर 13-14 साल के बच्चे का, वो पड़ेगा 125 रुपए। अच्छा सर, जनरली मैं बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे 105 का है तो इसको कोई सील करता है, क्या रेंज में सील कर सकते हैं? मैं आपको फिर भी बताता हूँ जी। आप हमारे से ले जाने के बाद लोग इस पे प्रिंट डालते हैं 250 रुपए 200 रुपए, क्योंकि सामने वाला कस्टमर वार्निंग भी करता है कम ज्यादा, और कुछ लोग उसे वार्निंग को समझते कि मान सम्मान। मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं भैया हमारा मान सम्मान क्या होगा, आप 250 रुपए इसमें प्रिंट डाल के 200 रुपए का आराम से बेच सकते हैं। जी जी, उसके बावजूद भी 10-20 रुपए कम कर सकते हैं आप, परसेंटेज एवरेज देखेंगे तो बहुत अच्छे निकल गया। मतलब कहते हैं कि डबल मुनाफा पक्का कमा सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, डबल मुनाफा तो वैसे ही होगा, क्योंकि बच्चे की आइटम सबसे ज्यादा बिकती है और बिकने का कारण भी है, ठीक है। कोई भी शादी ब्याह होली दिवाली ईद किसी भी धर्म का कोई भी तीज त्योहार होता है, हम फैमिली वाले लोग जो ड्रेस रेडी करते हैं बच्चे की पहले ड्रेस रेडी करते हैं, इसीलिए बच्चे का माल सबसे ज्यादा बिकता है। और सर कहते हुए ना, अपने लिए एक ले आते हैं, बच्चों के लिए 4 लेकर आते हैं, ये मैं आपको बता दूं, जो भी फैमिली वाले लोग देख रहे हैं वो ध्यान करो अपने बच्चे के लिए कितना कितना लाते हो। प्रैक्टिकल में जाओ, आप मेरी बात पे ना रहो, प्रैक्टिकल में जाओ, 3-4 शर्ट ले लेंगे, 3-4 पैंट ले लेंगे, बारिश हो गई तो चलो ठीक है उसके हिसाब से ले लिया, अगर गर्मी है तो उस हिसाब से। तो मेरा मतलब है हर चीज जो है बच्चे की, कोई भी ड्रेस खरीदते हैं स्टार्टिंग, जैसे हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे हैं तो उसके लिए टी शर्ट ले ली, चाहे शर्ट ले ली, चाहे कोई भी ले ली, हम एक एक नहीं लेते अपने बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। आप अपने लिए कितना लेते हो और बच्चों के लिए कितना लेते हो आप खुद ही चेक कर। मतलब एक तरह से आपको सर ये भी समझा रहा है कि अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हैं या मन बना रहे हैं तो बच्चे का कपड़ा उसके अंदर सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ऑलरेडी अपनी मार्केट में देखना, जो भी किड्स वेयर का काम कर रहा होगा फूलता फनपता लगे दिख जाएगा, उसमें ऑलरेडी भीड़ आपको दिख जाएगी, दिख जाएगा। बिल्कुल फैक्ट। आप ये देखो, आप साल में कितनी ड्रेस लेते हो जी, उसके बाद देखो बच्चे की ड्रेस कितनी बिकती है जी, तो सीधी सी बात है सब आपके सामने है, दूध का दूध पानी के पानी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बच्चे का काम सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए मैंने बच्चे का करके बैठा हूं, ओनली किड्स वेयर। बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 साल से लेकर 13-14 साल के बच्चे का शर्ट जींस टी शर्ट लोअर सब चीज मेरे पे मिलेगी, ठीक है, 4 आर्टिकल। और इनकी रेंज की बात करें सर, क्या रेंज में रहने वाले? हाँ, ये रेट आपके सामने है, ये इसमें पट्टी दे रखी है हमने, 115 रुपए का पीस, 115 रुपए आ जाएगा। तो मेरा मतलब है इस टाइप की वैरायटी भी है 125 रुपए, ये 125 रुपए, जैसे प्लेन है, पट्टी है, डैमेजिंग है, और ये आपको बता दूं प्रिंट है, प्रिंट के साथ हमने पैच भी लगाया हुआ है। मतलब इसमें से कोई भी चूज करेंगे सबका रेट 125 ही रहने वाला है। आपको बता दूं खाली 4 नहीं, कम से कम 20 से 25 डिजाइन में आपको 125 रुपए में डिजाइन दे दूंगा। भैया तो ये बोलने के लिए वाकई में मिलेगा
मैं आपको बता दूं जी, मैं आज से धंधा नहीं कर रहा हूँ, मेरी इसमें आधी उम्र तो इसी चीज में चली गई है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो करता हूँ वो मैं यहाँ दिखा के तसल्ली करके बोलता हूँ। मैं ऑनलाइन पे, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पे भरोसा नहीं करता। मैं नया व्यापार करने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ गांधीनगर आओ, माल पसंद करो, रेट पहले रेट देखो, वैरायटी देखो, पूरे गांधीनगर में घूमो। भैया मैं रोकूंगा यहाँ, सब हाँ, बोलते हैं मेरा माल बेस्ट है। हाँ ठीक है, सब अपनी माल की तारीफ करते हैं। ठीक है ठीक है, तो भैया व्यूअर्स आपसे माल क्यों ले, आपके पास क्या खास है? मैंने तो किसी को बोला ही नहीं मेरे से माल लो जी। पहली बात, मैं किसी भी वीडियो में, आप मेरी ऑल वीडियो चेक करना, मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप मेरे से माल लो। मैं सिर्फ सामने वालों को व्यापार करना सिखाता हूँ, अपने रेट आइटम वैरायटी दिखाता हूँ, उसके बाद मेरे पे 10 मिनट का टाइम देखे, पूरी मार्केट घूमे, उसके बाद अगर आपको लगता है संतुष्टि और तसल्ली है जब आप माल ले सकते हैं मेरे से। मतलब एक खुला चैलेंज है कि जो आपके पास रेट मिलेगा, वैरायटी मिलेगा, क्वालिटी मिलेगा, कहीं और इस रेट में नहीं मिलेगा। एक चीज और बता दो, रेट आइटम क्वालिटी वैरायटी तो 100% कहीं से तो सोच भी नहीं सकते कहीं देने की। दूसरी बात, मेरा मेन मकसद सिर्फ सामने वालों को ये नहीं है 125 रूपए बेटा पैसे ले बिल बना हो गया चल, आप तू कौन मैं कौन, मैं ऐसा नहीं करता हूँ जी। मेरा माल बेचने का मतलब क्या है, सीधा सामने वाला आया है, गांव से आया, शहर से आया, कस्बे से आया, दुकान खोलना चाहता है, पटरी लगाना चाहता है, वीकली बाजार लगाना चाहता है, शोरूम खोलना चाहता है, मेरा मतलब सामने वाले की समझ के उसके हिसाब से उसको माल दिखाता हूँ। मीन्स उसके एरिया में क्या चलेगा उसकी भी पूरी ध्यान रखते हैं आप। भैया पहले तो वो ये कहना, मुझे सिर्फ अपने माल बेचने से मतलब नहीं, सामने वाले का मेरे यहाँ से माल जाने के बाद उसका बिकेगा नहीं जब तक, क्या फायदा है मेरे से माल। फैक्ट है, फैक्ट है सर, बिल्कुल। तो मैं और दुकानदारों की तरह सिर्फ रेट आइटम नहीं बताता हूँ, सामने वाले को मैन व्यापार करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी दिखाएं। मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, 125 रूपए की रेंज मैंने आपको बता दी है जी जी, इसके आगे की वैरायटी और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, स्टिचिंग, फिनिशिंग, फैब्रिक, ये फॉर्म वाली कढ़ाइयां आ गई है, पीस देखिए अलग ही बुलबुल के बच्चे नजर आ रहे होंगे। और आपको बता दूं मेरी बिल्कुल फेयर डीलिंग है, मेरे हर पीस पे रेट होगा। और रेट ये देखिए, जैसे 135 रुपीज का पीस है ये, और पीस आपके सामने, इसमें भी मैं आपको काफी डिजाइन दे दूंगा। मतलब कहते हैं कोई भी आएगा रेट सबके लिए इक्वली रहने वाला है, तो मैं एक रुपए का ही फर्क नहीं होगा हमारे। अच्छा, एक चीज मुझे और बताया, काफी लोग व्यापार करने में डरते हैं या व्यापार करने के बारे में सोचते हैं तो हिम्मत नहीं कर पाते, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? भैया ध्यान रखना, हिम्मत करोगे तो कामयाब होगे। और माल पैसा, सीधी से मैं आपको बताता हूँ, फिर वही मेरे को डायलॉग मारना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले मारा है, शरीर का आलस, कच्चा लालच, शरीर का आलस खत्म कर दो, कच्चा लालच खत्म कर दो अगर व्यापार में कामयाब होना है। और अगर व्यापार में काम लेना तो नौकरी जितने की और उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने वाले ध्यान रखना वो है ना मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में नहीं घूमते हैं, वो बड़ी बड़ी जो उनके ख्वाब होते हैं ना बड़ी बड़ी कारों में घूमने के, वो सिर्फ बिजनेसमैन और व्यापारी ही कर पाएगा। आप कोई भी देख लेना, चाहे तनख्वाह 1,00,000 रुपए मिल रही हो, मर्सिडीज मेंटेन नहीं करेगा, ध्यान रखना। और व्यापार छोटे से ही बड़ा होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, छोटे से ही बड़ा होता है। अगर व्यापार आप कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आगे व्यापार को बड़ा लेके जाइए जी जी, मेरा मतलब वही है। और दूसरी बात, आपको तो कोरोना काल में लोग परेशान हुए हैं, और अच्छा कुछ लोगों ने अपनी पढ़ाइयां पूरी करी हैं, और कुछ लोग सोचते हैं डरते हैं व्यापार करने के लिए, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, लिमिटेड पैसों से व्यापार कर सकते हैं जी जी जी, बहुत लिमिटेड पैसों से, 10,000, 15,000, 20,000 से काम स्टार्ट करिए। ये उनके लिए जो फेरी लगाना चाहते हैं, जो वीकली बाजार लगाना चाहते हैं, ये उनके लिए। दुकान 10-15-20 हजार से नहीं खुलती है भाई साहब, मैं दोबारा बता दूं, 10-15-20 हजार से दुकान नहीं खुलती है। आप क्या करते हैं, जो नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं और शर्म नहीं करनी है, आप झोले के अंदर थैले के अंदर अपना लिमिटेड पीस लेके जाएं, और घर मैं आपको बताता हूँ वहां जाके सप्लाई करें, जहां आपको लगता है गांव है, देहात है, कस्बा है, जगह जगह जाके पूछे, भैया बच्चे की शर्ट और जींस है, बहुत रीजनेबल रेटों पे है, भाई साहब कोई भी कहेगा भाई साहब दिखा दो, जब वो दिखाने को कहेगा तो आप स्टार्टिंग से रेंज दिखाएंगे तो 2 पैसे आपको बचेंगे, सीधी सी बात है, बिकेगा बिकेगा, और सबको चाहिए बच्चे की ड्रेस। तो मतलब सर मेनली आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले स्टेप ले, जब तक वो चलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, तो चलना पड़ेगा, रियलिटी तो यही है जी जी। और मैं आगे एक दो वैरायटी और दिखा देता हूं आपको। ठीक है, बिल्कुल सर, एक ही आइटम है आपके सामने जी, रेट है 145, मतलब ये भी फैंसी। तो सर अभी तक जो आपने आइटम दिखाया है, ज्यादातर आइटम आपने मतलब लो रेंज की या मीडियम रेंज की दिखाया है, तो फैंसी आर्टिकल के अंदर डील नहीं करते सर आप? नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे पे बाजार, पटरी, दुकान, शोरूम, हर तरीके का माल होता है जी। और आपको वैसे निगाह भी करवा देता हूं, और ये देखिए एक अंदाजा लगाइए, इस टाइप के पीस भी होते हैं मेरे पे, मतलब फैंसी माल चाहिए तो फैंसी भी मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा, मेरे यहाँ जो माल मिलेगा, टोटल जो पेंटे मिलेंगी सर, ये हटके लग रहा है, इस पीस को दिखाइए, ये पीस यूनिक लग रहा है जी। ये मैं आपको बता दूं, जे पीस इस तरीके का, इसे कहते हैं मैग्नेट, अगर आप है ना इसे दुकान पे डमी पे लगा के अगर टांग देंगे ना, चलते हुए के कदम रुक जाएंगे, ये क्वालिटी वो है। मतलब क्वालिटी की बात करूं तो मैं थोड़ा पास से दिखा दूं, आप देखेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट क्वालिटी के अंदर मिलने वाला है। मतलब अगर फैंसी माल चाहिए तो फैंसी माल भी आपको एक से एक यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए जी। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लो रेंज का ही माल मिलेगा, मीडियम रेंज का ही मिलेगा, फैंसी की बात करें तो फैंसी के अंदर भी एक से एक आर्टिकल यहाँ पे मिल जाएंगे। हाँ जी, मेरे पास दरअसल हर तरीके का माल, और रखने भी पड़ते हैं भाई साहब, कोई बंदा दुकान खोल रहा है, कोई शोरूम खोल रहा है,
तो हमें तो हर तरीके की वैरायटी रखनी पड़ेगी। फैक्ट है सर। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई साहब, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको अभी तक वीडियो में नहीं बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना नया व्यापार करने से डरते हैं जी, जो सोच रहे हैं कि भैया हम माल लेके आए बिकेगा नहीं बिकेगा, या फिर हम पता लग रहा है बिक्री मीडियम माल है और वो चालू ले जाते हैं बाजार पटरी के हिसाब से, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग अच्छे वक्त का इंतजार करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा तो हम काम स्टार्ट करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वक्त है ना जब आप सुबहरे उठते हो ना और जब तुम्हारी आंख खुलती है, इससे बड़ा कोई वक्त नहीं होता। सबसे बढ़िया वक्त वही है सुबहरे जब आंख खुल जाए आराम से उठ गए हैं, समझ रहे हैं, जब ऊपर वाले का नाम ले लिया वक्त स्टार्ट हो गया जी जी। और अच्छा वक्त कभी नहीं आता आदमी सोच के हिसाब से, वक्त कभी खराब नहीं होता। मैं आपको बताऊँ वक्त हमेशा अच्छा होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो नए लोग व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ है ना सोचते बिकेगा नहीं बिकेगा, उसके लिए जो 100 रुपए के अंदर की आइटम है अगर आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक अगर वो सेल आउट नहीं होती है जी जी, मेरा सेट वाई माल रिटर्न करके आप मुझसे दूसरा माल ले सकते हैं। मतलब एक्सचेंज पॉलिसी भी है, है 100 रुपए के अंदर का माल अगर आपका सेल आउट नहीं होता है तो मेरा रिटर्न है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जैसे इस टाइप की आइटम है। फिर मैं आपको अच्छा आपको बता दूं मेरी डिजाइनिंग वैरायटी इतनी होती है कि आप ही ऑलरेडी मतलब कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपको अंदाजा हो गया होगा ऐसे ही मैं आपको शर्टें भी निकाल करवाता हूं, मेरे पास शर्टें भी सिलेक्टेड होती है। वैसे ये देखिए शर्ट में बात करते अपने पास क्या रेंज से स्टार्ट हो जाता है सर? मेरे यहाँ जो शर्ट स्टार्ट है मैं आपको फिर भी वो खुला हुआ पीस दिखाता हूँ बेटा, रेड कलर का पीस जी। मेरे यहाँ जो रेंज स्टार्ट है वो है 65 रुपीज से, ओनली 65 रुपए से 100% कॉटन है पीस आपके सामने है। इसमें मेरे पास काफी डिजाइनिंग और वैरायटी मिल जाएगी ठीक है। हाँ ये है 65 जी जी, 20x24 26x28 32x34 36 65 और 85 ठीक है। अच्छा ये स्टार्टिंग, उसके बाद मैं आपको बता दूं पीस देखिए, एक से खूबसूरत पीस होते हैं जी जी, पीस आपको नजारा पता लग रहा होगा। मतलब फैंसी के बात करें तो शर्ट्स के अंदर भी आपको एक से एक फैंसी आर्टिकल मिल जाएगा। सर कहने वाले तो कहते हैं कि मार्केट के अंदर आपसे ज्यादा वैरायटी और शर्ट के अंदर कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि लूज के अंदर मैं आपको बता दूं हम स्पेशलाइज इसी चीज से जाने जाते हैं, स्पेशल शर्ट एंड जींस में किड्स वेयर में जी जी, हमारी पहचान यही है। और आप एक चीज और देखी होगी कि अभी देखिए हर पीस पर लेवल होगा, बिल्कुल हटके हर पीस पर लेवल होगा। ये देखिए पीस कलर कॉम्बिनेशन भी सिलेक्टेड होगा और ये देखिए जी, और हटो बच्चों पीस होंगे बिल्कुल। हमें है ना अपना माल बेचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसके सामने डाल दिया जाए वो ओके रिपोर्ट है जी जी जी। अब ये देखे जी ये हमने जो पीस बनाया देखो कितना खूबसूरत पीस है। ये सब कलेक्शन ऐसे है ना कि लेने से कहते हैं खुद को रोक नहीं पाए। हाँ जी हाँ जी, ये आइटम ऐसे इसे मैग्नेट आइटम कहते हैं जी। अगर आपने इसकी अपनी दुकान पे अगर डिस्प्ले कर दी ना तो चलते हुए कदम होंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं मेरे हर पीस पे रेट मेंशन है 20x24 26x28 30 32x34 36 जी जी ठीक है ठीक है सर। अच्छा और आपने मेरी क्वालिटी देख ली। दूसरी बात आपको बता दूं इसे पलट के मेरे पीस जो होते हैं फुल फोल्डिंग के पीस होते हैं, ये देखिए सारे फुल फोल्डिंग के होते हैं ठीक है। हाँ तो हमारे कच्चे पीस नहीं होते, स्टिचिंग सिविल चाक पट्टी टू पीस कॉलर हर तरीके के, मतलब कपड़े की भी फुल गारंटी मिलेगा। कपड़े मेरे धुलाई के बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है तो मेरा कपड़े का ये पीस होगा मेरा फुल रिटर्न है, कहीं से कहते कोई दिक्कत नहीं। एक दो धुलाई में पीस खराब हो जाए मेरा पीस वापसी फेंक जाओ जी जी जी, कहीं से कहते कोई दिक्कत नहीं है। ये पीस देखिए, ये देखिए, मतलब शर्ट्स में बात करें तो हर तरह का कलेक्शन हर तरह का वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सिर्फ कुछ कलेक्शन इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अगेन आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे जो वैरायटी है किस किस तरह का मिलने वाला है। और जो भी मिलेगा दोस्तों होलसेल में मिलेगा, तो एक दो पीस के लिए बिल्कुल भी कॉल ना करें, जो भी संपर्क करे क्वांटिटी के लिए संपर्क करे। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, क्योंकि सर वैरायटी तो दिखाते ही दिखाते हैं, उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं ताकि आपके अंदर एक व्यापार करने की इच्छा शक्ति जग सके और आप आत्मनिर्भर बन सके। तो मेरे लिए हमारा वीडियो का बनाने का मोटिव यही था कि आपको आत्मनिर्भर बना सके और अपना व्यापार अगर कर रहे हैं तो उस व्यापार को और आगे लेकर जा सके। सर लास्ट में हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ रेडीमेड गारमेंट से ऊपर का कोई काम नहीं है और ना है ना होगा। अगर ध्यान रखना अगर कपड़ा एक लोगों की जरूरत है, और जरूरत बता दो रोटी से पहले, कहने का मतलब आदमी भूखा तो घूम सकता है घर से बाहर निकल सकता है मगर बिगर कपड़े के नहीं निकल सकता। कपड़े से व्यापार ऊपर, कपड़े से मतलब कि कपड़े से ऊपर व्यापार कोई भी नहीं है, यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को वैरायटी दिखाने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।